नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब किसी का ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद भी ऐसा होता है बहुत बार कि उसका क्रिएटिनिन थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, मतलब थोड़ा सा फिर से बढ़ जाता है। तब ये होता है कि उसको बहुत ही चिंता होने लगती है, वो बहुत सारे रिपोर्ट करवाता है। दोस्तों, जब डॉक्टर को पता चलता है कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और कोई वजह पता नहीं चल रही, मतलब क्यों क्रिएटिनिन फिर से बढ़ रहा है, तब एक रिपोर्ट करवाया जाता है, उसका नाम है बायोप्सी रिपोर्ट। दोस्तों, बायोप्सी क्या है उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं कोई डॉक्टरों की भाषा में आपको नहीं समझाऊंगा, मैं इतना ही समझाऊंगा जितना मुझको पता है और जितना हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक दो बार ऐसा हुआ था कि क्रिएटिनिन थोड़ा सा ऊपर आ चुका था, 2 तक आ चुका था, तो मेरी भी 2 बार बायोप्सी की गई है। अब बायोप्सी क्या है और क्यों की जाती है और उसको करने से क्या पता चलता है, क्या फायदा होता है, इसके बारे में बताता हूं। दोस्तों, बायोप्सी सिर्फ किडनी के लिए नहीं की जाती, बॉडी में कोई भी जगह पर प्रॉब्लम है और वजह पता नहीं चल रही कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों है, तब बायोप्सी की जाती है। वो हार्ट के लिए भी होती है, लीवर के लिए भी होती है, किडनी के लिए भी होती है और अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी के प्रॉब्लम अगर जानना है, एकदम सटीक प्रॉब्लम क्या है वो जानना है, तब बायोप्सी की जाती है। अब बायोप्सी किस तरह से की जाती है ये बताता हूं मैं। जब मेरी किडनी की बायोप्सी हुई थी तब किस तरह से हुआ था, देखिए किडनी हमारे यहाँ पेट के नीचे की साइड होती है, ठीक है, और थोड़ा सा पीछे की साइड होती है, तो बहुत सारे लोगों की बायोप्सी उल्टा उसको सुला के, पेशेंट को उल्टा सुला के पीछे से की जाती है और बहुत सारे लोगों को आगे से, मतलब सीधा सुला के भी की जा सकती है। मुझे सीधा ही सुलाया था और 2 बार मेरी बायोप्सी इस तरह से हुई थी। बायोप्सी में क्या किया जाता है दोस्तों, कि जिस चीज के बारे में हमें जानना है, जैसे कि किडनी के बारे में डॉक्टरों को जानना है कि किडनी में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्रिएटिनिन ऊपर आ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर अगर प्रोटीन जा रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब किडनी के फंक्शन के बारे में जानना है, तब बायोप्सी की जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन यानी कि बहुत छोटे छोटे करोड़ों नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं और वो एक छलनी जैसे होते हैं जिसमें से होके ब्लड पास होता है और उसमें से कचरा अलग हो जाता है, यूरिन के लिए पानी आगे निकल जाता है, वो सारी चीजें नेफ्रॉन में ही होती है। तो डॉक्टर हर एक नेफ्रॉन को चेक नहीं कर सकते क्योंकि करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं। तो बायोप्सी में ये किया जाता है कि 1 या 2 नेफ्रॉन किडनी में से निकाल के लेबोरेटरी में चेक करते हैं कि नेफ्रॉन में प्रॉब्लम क्या है, वो जो छलनी है जिसमें ब्लड एकदम प्योर होना चाहिए, क्रिएटिनिन कम होना चाहिए, कचरा अलग निकलना चाहिए, तो वो नेफ्रॉन को चेक करने का काम बायोप्सी करके डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो एक लंबी सी सुई होती है बराबर, उसको हमें एनेस्थेसिया देते हैं, बहुत बार देते हैं, बहुत बार नहीं भी देते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो एनेस्थेसिया देते हैं, और एक सीधी सी सुई होती है, इतनी साइज होगी शायद, वो अंदर घुसाते हैं और तुरंत ही, मतलब 1 मिनट का भी काम नहीं है, पूरा एक जैसे सोनोग्राफी करते हैं वैसे पहले से ही देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर नीडल डालनी है, वहां एकदम परफेक्टली पता करके वहां नीडल डालते हैं और नीडल आगे से ऐसी होती है कि वो 1 या 2 नेफ्रॉन को चूज कर लेते हैं और वहां से खींच लेते हैं और तुरंत बाहर निकल जाना है। ज्यादा पेन नहीं होता, बस 1 ही मिनट का काम है, इसको ऑपरेशन नहीं कहा जाता, कुछ काटते नहीं, कहीं पर स्टिचेस नहीं आते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद वो नेफ्रॉन चेक करते हैं लेबोरेटरी में, उसको बोलते हैं बायोप्सी किया, मतलब बायोप्सी का रिपोर्ट किया, ठीक है। उससे ये पता चलता है कि नेफ्रॉन में प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम देखकर उसका इलाज किया जा सकता है, दवाइयों में कोई चेंजेस करना है, कोई इंजेक्शन देना है, कुछ भी करना है, तो वो बायोप्सी के रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रिएटिनिन क्यों बढ़ रहा है या फिर किडनी ठीक से काम क्यों नहीं कर रही। बॉडी के कोई भी पार्ट के लिए बायोप्सी होती है तब इसी तरह से होती है कि उस चीज का, उस पार्ट का थोड़ा सा टुकड़ा, एकदम लाइट सा टुकड़ा निकाल के उसको चेक किया जाता है, ये होता है बायोप्सी, ठीक है। अब बायोप्सी जब होता है तब हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये मैं बता देता हूं कि बहुत सारी हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए एडमिट कर देते हैं पेशेंट को, जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब बायोप्सी होती है तो मुझे ऐसा कहा गया था कि बायोप्सी के बाद कंटिन्यूस 8 घंटे तक, 8 आवर्स 8 घंटे तक हिलना नहीं है, मतलब जैसे सोया है वैसे ही सोना है, ज्यादा हिलना नहीं चाहिए क्योंकि एक पूरा छेद हुआ था स्किन के अंदर, 3 या 4 जो भी लेयर है वो सभी में एक पूरा छेद हुआ था और किडनी को छुआ था, किडनी में से वो नेफ्रॉन निकाले थे, तो वो एकदम, हम सीधा सोते रहते हैं 8-9 घंटा,
तब वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, मतलब जो लेवल में होना चाहिए वो लेवल में हो जाता है, इसलिए हिलना नहीं चाहिए ज्यादा। तो इसलिए एडमिट किया जाता है एक दिन के लिए, और बस हमें ये ध्यान रखना है कि 8-9 घंटे जितना भी डॉक्टर ने बोला है हमें बायोप्सी के बाद हिलना नहीं है। दूसरी बात कि बायोप्सी जब भी आप करो तब साथ में आपके एक स्ट्रॉन्ग इंसान आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि बायोप्सी के बाद हो सकता है कि थोड़ी देर तक खून निकलता रहे, तो साथ में आपके जो रिलेटिव है, जो परिवार के सभ्य है, वो उसको पकड़ के रख सके, उसको दबा सके, ताकि ज़्यादा ब्लड ना बहे। हो सकता है कि 15-20 मिनट के लिए बहता है, लेकिन एक इंसान चाहिए जो स्ट्रॉन्गली इसे उसको पकड़ के रखे और ब्लड बाहर ना आने दे, उसके बाद तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और 8 घंटे तक अगर पेशेंट हिलने वाला नहीं है तब भी साथ में एक स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए। जब मेरी 2 बार बायोप्सी हुई थी तब मैं भी ऐसे ही रहा था 8 घंटे तक, और मेरे जो बड़े भैया है जिन्होंने मुझे किडनी दी है वो मेरे साथ रहे थे, और हमें डॉक्टर ने ये बताया था कि बायोप्सी के बाद जितने भी यूरिन आते हैं वो सारे यूरिन एक डिब्बी में भरना था, उसके बाद वो यूरिन भी चेक करने वाले थे, यूरिन का कलर से कुछ चेक करने वाले थे। तो वो भी शायद आपके साथ हो सकता है, कुछ हॉस्पिटल में शायद अलग भी हो, कुछ डॉक्टर्स की राय अलग भी हो, लेकिन ये मेरा अनुभव है जिससे शायद आपको हेल्प मिल सकती है। और जरूरी नहीं कि बायोप्सी के बाद कुछ प्रॉब्लम निकलेगा ही, जैसे मेरे किस्से में 2 बार बायोप्सी हुई लेकिन बायोप्सी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया, ये पता चला कि नेफ्रॉन्स एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे फिर से क्रिएटिनिन मेरा नॉर्मल हो गया। तो अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि बायोप्सी करनी पड़ेगी तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस चेक करना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो पकड़ में आ जाए, उसको इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, बस इतनी सी बात मुझे बायोप्सी के बारे में बतानी थी जितनी मुझे पता थी, और उसका रिपोर्ट शायद 5 या 6 दिन के बाद आ जाता है। तो इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह का यूजफुल वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो मेरी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी को भी इसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन अगर निकल आए तो मुझे लगेगा कि मेरा ये जो प्रयास है वीडियो बनाने का वो सार्थक हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।